बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर जी अस इस तरीके तो बैठे हैं कि 2020 साल जरा चला गया तो लोग कहते हैं कि जे उसातजा होंगे ने ना इन्हों का अपने स्टूडेंट के उत्ते कहते हैं बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होंगे गा। अस हूँ 5-6 टीचर इस वे बैठे हैं, 5-6 टीचर हूँ एवरेज तुम देखो साढ़े को हर कोई जरा कोई 100 तो लैके तो 200 की क्लास ऑन एन एवरेज अगर मैं साल लाव साढ़े चो हर कोई करता पाया गा। तो अगर साड़िया कई गलों तो इनफ्लुएंस कर रही हैं तो मीनस कि अगर 200 नो तुसी 8-9 टीचर ना दरब दियो तो वह तकरीबन को 1600 बच्चा बन जाता। 1600 बच्चे ने तुसी देखो कि हर खानदान दे अगर 4 या 5 लोग हो तो वह हज़ारा दे इनफ्लुएंस हो जाता है ना। तो कहते कि जो नवा साल आए तू कुछ अपने आप के वादे करने चाहिए कि तुसी हुण जिंदगी दे की करोगे, मतलब यह गल सू किसी ने दसिया नहीं सही है। मैं चाहना कि जिहड़ियां गल्लां हुण सानूं पता चलियां ने ये असं चाहते हैं कि असं अपने आप में भी रिवाइव करिए तो लोगों को भी वो बारे पता चले। वो जी कहते सब तो पहला गल ये कहते हैं कि अगर तुसी अपने गोल सैट कर लो, गोल के बारे जो कहते हैं कि गोल तो यह मुराद ही है कि अचीवेबल गोल, यह नहीं कि मैं चाहते जाना, मतलब कोई तुहाडी अगर असं टीचर ही हैं तो टीचर होने वाले के नाल सानूं अपनी पढ़ाई असं किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं, असं अपनी सॉफ्ट स्किल को किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं। इस तरह और कोई डॉक्टर हैगा तो अपने आप में उस हिसाब से देखे। फिर दूसरा कहते हैं कि आने वाले साल जो तुम अपने बजट में जरूर मैनेज करो। बजट तो अक्सर लोग असं कहने जी महंगाई होगी किस तरह होगी, वो बारे चाहिए कहते हैं कि खर्चे ना कटाओ बल्कि अपनी इनकम वधाओ। यानी दूजे मन चो मेरे को एक बार स्टूडेंट आए कहते जी कि सानू फला डिग्री के बच्चों ज़्यादा पैसे मिलते हैं सानू घट मिलते हैं, तो मैं उन्होंने एक गल की मैं यार तू अपने आप में महंगा कर। हूँ महंगा तू उस शुरू च करेगा जे तेरे पल कुछ होएगा, तो जे तेरे पल कुछ नहीं है तो फिर तेन 20-25 हज़ार ही उन्हें तनखा देनी है ना। वो कहते हैं कि कुछ ना कुछ अपने बजट में इस तरह मैनेज करो कि जिदी वजह तुम्हारी इनकम इनक्रीज हो या कोई रेनी सीजन भी तुम पैसे बचा के रखो। कोई ना कोई ताकि है, मतलब जिस तरह माशाल्लाह हम अच्कल यूनिवर्सिटी इंटरन्यू ट्रैक का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चलता पाया, पेंशन नहीं है उस हिसाब से सानू मैनेज करना चाहिए ना कि हाँ वो जो कोई ना कोई साड़ी इनकम हो जाए। तो वो इस लिहाज कहते हैं कि अगर नवा साल आने वाला वो तुम अगर वाली अपनी रेजोल्यूशन रखो तो इंशाल्लाह तुम्हारी लाइफ जी बड़ी आसान हो जाएगी ना। फिर कहते हैं कि जो नवा साल है कोई ना कोई नवी चीज़ें कहते ट्राई करनी चाहिए ने खाण पकाने वाले के नाल, मतलब जो ऑलरेडी खाते पकाते ठीक हो चलता पाया लेकिन कोई ना कोई नवी डिश कहते इंट्रोड्यूस करो। नवी डिश जो तुम इंट्रोड्यूस करवाते लाइफ के जिन्होंने कहते ना चाशनी कहते वो बच जाती है तुम्हें अच्छा लगता कि हाँ यार ये वाली असं डिश खाते पे हैं। फिर वो कहते हैं कि किताबा पढ़ने के मामले तो मैं वैसे कई बार शायद अंडा के भी जिक्र किया कि किताबा पढ़ने के मामले असी बहुत ही काम खराब है साडा, किताबा की आदत सर जी अपने आप में भी पाओ तो स्टूडेंट के भी पाओ। मैं बड़ा नोट किया, मैं कई बार जिक्र किया कि मैं 2 साल तो पढ़निया शुरू की हूँ तक मैं कोई 17 किताबा पढ़िया जो 8-9 इंग्लिश दियाँ होनी है बाकी चंद एक मैं उर्दू दियाँ कीतियां ने। सर जी कुछ ना कुछ तुम्हें फायदा होता था, मैं कई बार इस चीज़ का इजहार किया कि अगर मैं लाइफ के कोई पूछे रेगुलेट की है तो मैं शायद इस गल का कहाँ कि यार मैं किताबा ज़्यादा पढ़निया चाहिए। किताबों वाला ट्रेंड अपने अंदर पैदा करो तो स्टूडेंट के भी पैदा करो कि हाँ किस तरह करना चाहिए। लेडीज़ के बारे में कहते हैं कि साडे सोसाइटी लेडीज़ जिहड़ियां ना शादी के बाद बिल्कुल अपने आप को छड़ जांदियां ना, उन्होंने कोई ना कोई कहते क्लब जरूर ज्वाइन करो लेडीज़ क्लब। तुम नवे नवे लोगों ना मिलते जे नवा नवा तुहाडा मीटअप उत्थे हुंदा तुहाडे नवे नवे आइडियाज़ सानूं मिलते हैं वो अपने आप को अच्छा महसूस करनगे। तो जो असं उन्होंने घर के ही रखा बच्चों के ही रखा ना उन्होंने कहना है कि लाइफ हैगी साड़ी। क्लब वगैरह कहते जरूर कोई ना कोई उन्होंने ज्वाइन कराओ लेडीज़ क्लब देना उत्तर कोई ना कोई उन्होंने नवी चीज़ जी देखने को मिलती है। फिर वो कहते अगर लाइफ के तुम होर अपने आप को आसानी पैदा करनी है ना तो कहते तुम्हें कोई ना कोई क्लीनलीनैस शड्यूल घर का ये वाला जेन च रखो, घर की एंट्रेंस को चेंज करो तुहाडा घर के एंटर उन्होंने अच्छा लगेगा कि हाँ यार मैं घर जा रहा हूँ तो मेरे घर की एंट्रेंस अच्छी यानी अट्रैक्शन पैदा होएगी ना। तो क्लीनिंग शड्यूल के मीन जो तुम वाइट वॉश भी कह सकते हो कोई होर हो नवी चीज़ा वो तुम चेडअप कर सकते जो। हाँ अगर कोई सिगरट पीता उन्होंने भी रेजोल्यूशन करनी चाहिए कि यार मैं सिगरट नहीं पीना। मैं परसों चौथी एक वीडियो भेजी मैं अपने स्टूडेंट ने भी शेयर करवाई सर उन्होंने वो फेफड़े दिखाए भाई यकीन करो कि मैं अगर तुम वीडियो तुम जरूर शेयर करा कि हकीकत दे चुड़ा काला रंग से ना फेफड़े का उन्होंने दिखाया वो वो एक बबल दिखाया बबल दे जो साफ फील हो रहा है कहना कि फेफड़ा जोड़ा ना ये फट के जोड़ा ना बस फटने वाली स्टेज तक है बिल्कुल बबल वह बनया
अगर तुहानू कोई अजे नशे की आदत हैगी है या समथिंग मतलब साडी सोसाइटी दे लोग सिगरेट ही ज़्यादा पीते हैं तो सिगरेट वगैरह जो ना तुसीं छड्ड देना चाहिए तो उस जी तुहाडी आसानी वाली हो गल होएगी ना। फिर वो कहिंदे ने कि हेल्थ कॉन्शियस दे विच ते कहिंदे ने कि बुढ़ापे च जिस चीज़ का सब तो ज़्यादा किसी को ख्याल करना चाहिए वह हेल्थ ही है। अगर कोई साढ़े चो 60 या 70 ईयर्स की उम्र का ज़्यादा तो उन्होंने कोई ना कोई अपना कैलेंडर बनाना चाहिए कि डॉक्टर ने मैं फला दिन जाना मैं डॉक्टर के कोल उस दिन जाना यस ही शुड ही मस्ट बी ना वो अगर नहीं बनाता पाया तो हेल्थ उत्ते कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए बल्कि उतों तक कहते हैं कि अगर तुम्हारी सेविंग हैगी कुछ ना कुछ सेविंग तुम्हारी यह जी जरूर होनी चाहिए है जी तुम्हारे खुदा ना खासा कोई इल हेल्थ आती है तो तुम उत्ते अपना खर्चा कर सको इस तुम ये तो जरूर तुम पैसे देने बचाने चाहिए। फिर कहते घर के ऑफिस के दो तो तीन मिनट हर वक्त कुर्सी तक बैठे रहो दो या तीन मिनट की एक्सरसाइज जरूर कहते हर चीज़ से बैल ना दोगे पीएन आ गया तुम फला चीज़ फड़ाओ तुम कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी रखो कि चीज़ा आप जाके चुकनिया पै जिनको बुक ही करनी अलमारी के पिछों वो तुम आप जाके लो इस तरह घर के खवातीन होंदिया ने उन्होंने कहें कि उन्होंने कहो क्या जो सीढ़ियाँ चाढ़िया ना तो जेन च एक आइडिया रखन कि मैं एक अकॉम्पलिशमेंट करती पी मतलब सीढ़ियाँ जो बोझ ना बढ़ा दट देगी यार मैं की सीढ़ियाँ मेरा हसबेंड कहता पे मेरे बच्चे कहते पे वो कहते तुम्हें एक ऐसी फीलिंग देनगी जो सीढ़ियाँ चढ़े हो गए कि यार मैं कोई चीज़ मुकम्मल की बड़ा आइडिया ग्रेट है यार। फिर कहते प्लैन यू मस्ट मेक यूअर वोकेशन प्लैन सर जी ये गल मैं बड़ी पसंद आई कि तुम अगर अगले साल पहाड़ा पर जाना वह कहते प्लैन बनाओ प्लैनिंग जी तुम बड़ा बूस्ट करती है माइंड में ये सोच दे कि हाँ यार मैं फलां जगह पर जावा ये तुम्हें बड़ा अच्छा इंपैक्ट दिंदी है तो आइंदा 2021 जो सा आ रहा है उस कोई ना कोई प्लैन करो यार बच्चों के नाल फैमिली के नाल दोस्तों के नाल तुम वाकई बड़ा अच्छा लगे कि हाँ तुम जा रहे हो। फिर वो कहते वॉलंटियरशिप वॉलंटियरशिप की यार साड़ी सोसाइटी तो बहुत कमी है। अच्छा वॉलंटियरशिप कहते बाहर की दुनिया के ना लोग सफाइया करते हैं हूँ असी अजा सोचिए सू बड़ा अजीब जहा लगता कि यार कि महल की ग्राउंड की सफाई करने लेकिन कहते बाहर की दुनिया करते लेकिन मैं समझना अगर साढ़े माहौल से देखा जाए तो टीचर या बच्चों अभी ट्यूशन पढ़ा सकते यार ये भी वॉलंटियरशिप हैगी है या कोई होर कोई जेन च चीज़ आती हो वॉलंटियरशिप भी तुम जी एक बड़ी मैं हिसाब लगा के देखा बड़ी तुम खुशी देती है कि तुम किसी का काम कर रहे हो बगैर पैसे के या लालच तो ये नाल की कहते चीज़ कोई नहीं है। फिर हम अजकल जिस तरह कोविड का दौर आया है कोविड के दौर दे अपनी सैनीटेशन तो अलावा कहते जी मोबाइल में भी जरूर सैनिटाइज करो जिहड़ी चीज़ है तुम बहुत फ्रीकुएंट इस्तेमाल करते जे इस तरह दरवाजे के नट बोल्ट उन्होंने हैंडल जरूर करो ताड़े को अगर कोई पुरानी चीज़ें बिलोंगिंग्स है तेरे कपड़े ने तेरे शूज़ ने कहते जरूर दे दो अपने गरीबों को यार ये भी तुहाडा नैक्सट जरा न्यू ईयर वो रेजोल्यूशन होनी चाहिए और ये कोशिश करो कि जोड़े सफेद पोश लोग हैं हम सफेद पोश कौन ने मेरे हाथ नहीं फैलाते और मैं समझना कि सब तो अच्छा तेरे रिश्तेदार तो बाद जोड़े लोग तेरे घर काम करते हैं मेहनत करते पेने यार मेहनत करते पेने अपनी ओल्ड बिलोंगिंग्स तुम उन्होंने दे दो ना वो बहुत अच्छा रहेगा तेरे लिए। फिर ये भी कहा जाता कि गिव योर सैल्फ ए न्यू लुक ये नहीं मैं पता कि वालों का स्टाइल है या कि तुम कह सकते हो दैट मे बी ड्रैस दैट मे बी न्यू बाइंग ऑफ योर कार योर मोटरसाइकिल या तो आपकी साइकिल जो भी है कोई अपने आप में नवी लुक दो वो लुक जी तू एक ना लाइफ के एक अच्छा तासर दें कि हाँ यार मैं बेहतर अपने आप फील करना मैं कहते जरूर होना चाहिए है ना। फिर कोई ना कोई न्यू स्किल जी लर्न करनी मतलब असं टीचर है मैं समझना कि साड़ी सब तो इंपोर्टेंट चीज़ जी कम्यूनीकेशन है कम्यूनीकेशन है और अपने नॉलेज के उत्ते ग्रिप हैगी कोई भी बड़ी नवी स्किल आती है अपने स्टूडेंट को अपने आप को जेहन में जरूर रखो कि हाँ होना चाहिए ना। फिर कहते हैं कि नवे साल के आम तौर पर यह भी मैं देखा साढ़े से बहुत ज़्यादा कमी कि वी मस्ट अवेयर अवर सैल्फ विद करंट मैटर्स साढ़े कई लोग अखबार पढ़ते होंगे पढ़ना भी चाहिए तो यह भी चीज़ तू एक अच्छा तासर देती है कि हाँ यार मैं नवे साल के आया तो मैं कुछ ना कुछ जरा होना चाहिए है। अच्छा फिर एक होर मैं गल बड़ी अच्छी लगी उन्होंने कहा अपने घर के खुशबू का इस्तेमाल करो। अच्छा मैं कभी कदार साढ़े घर ही होंगे और मैं देखा जो होया हो मेरा ड्राइंग रूम चो निकलों दिल नहीं करता गा ना कि हाँ यार अच्छी खुशबू आ रही है
ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਫਿਸਿਸ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਵੀ ਕਰਨੇ ਯੂ ਫੀਲ ਗੁੱਡ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਦੇ ਚਾਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਔਰ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਰੋਟ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਮੂੰਗਫਲੀ ਵੀ ਅਖਰੋਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਫਲਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਟਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਫਲ ਅੱਛੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਿਸੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 8 ਕਿਲੋ ਫਲ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਹੱਜ਼ਬ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹੀ ਤਾਦਾਦ 200 kg। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਂ ਦਾ ਆਪੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਹਾਓ ਫਾਰ ਬਿਹਾਈਂਡ ਵੀ ਆਰ ਫਰੋਮ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਨੇਸ਼ਨ। 8 ਕਿਲੋ ਸਾਡੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਫਲ ਇੰਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫਿਸਰ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੋਈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿਓ। ਦਰਖਤ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਅਗਰ ਫਲਦਾਰ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤ ਹੈਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਲੇਬਰ ਆਈ ਥਿੰਕਸ ਹੋ ਗਏ 1000 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਹੈਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਦਰਖਤ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਨਾਲ ਫਲਦਾਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਸਿਰਫ 8 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਖਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਸ਼ਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕਿ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਲਡ ਫਰੈਂਡ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦੋਸਤ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝੋ ਕਿ 40 ਜਾਂ 45 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚੋਂ ਦਰਿਆਫਤ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ 12-14 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਸਦ ਹੈਗਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਿਊਸਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਟੈਕਸਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਨਾ। ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਓਲਡ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ, ਜਿੰਨਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕੋਈ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਹੁਣ ਜਬਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਮੌਸਮ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਦੌਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਚੰਦ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਿਊ ਈਅਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੰਦ ਇਹ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਅਮਲ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਵਾਈਏ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਤਾਸਰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਦੇਖੋ 2020 ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕਈ ਪੋਲਟਰੀ ਦੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਹਜ਼ਰਾਤ ਕਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਦਿਕ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋਨਾ ਨਾ ਆਏ, ਡਾਕਟਰ ਅਸਲਮ ਸਾਹਿਬ ਬਗੈਰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕਮਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫਿਸਰ UAF ਦੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਡਾਕਟਰਸ ਅਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। 2020 ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, 2021 ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫਾਤਿਹਾ ਕਰਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਲੈ ਆਈਏ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਬਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਕੰਪਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਆਏਗੀ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਇਸ ਸਾਲ ਮੈਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਈਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਸਕੂਨ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ। ਔਰ ਐਂਡ ਪੇ ਮੇਰਾ ਉਹੀ ਪੈਗਾਮ, ਹਮ ਦੂਸਰੋ ਕੋ ਰਾਸਤਾ ਦੇ, ਆਪ ਵੀ ਅਜ਼ਮਾ ਕਰ ਦੇਖੇ, ਜਬ ਆਪ ਦੂਸਰੋ ਕੋ ਰਾਸਤਾ ਦੇਤੇ ਹੈ ਤੋ ਵੋ ਆਪਕੋ ਸਲਾਮ ਵੀ ਕਰੇਂਗੇ ਔਰ ਆਪਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਕਰਾ ਕਰ ਵੀ ਦੇਖੇਂਗੇ ਔਰ ਆਪਕੋ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਗੀ। ਦਰਖਤ ਲਗਾਉਣੇ ਕੇ ਹਵਾਲੇ ਸੇ ਜੈਸੇ ਮੈਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਯੇ ਆਪਕੋ ਖੁਸ਼ੀ ਤੋ ਦੇਤੇ ਦੇਤੇ ਆਪਕੋ ਇੱਕ ਹੋਪ ਵੀ ਦੇਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਬ ਆਪ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਲਗਾਤੇ ਹੈ ਤੋ ਆਪਕੇ ਜ਼ਿਹਨ ਮੇਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਕੀ ਕਿਰਨ ਵੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਰਖਤ ਆਜ ਛੋਟਾ ਮੈਨੇ ਲਗਾਇਆ, ਕੱਲ ਕੋ
तो ये आपके अंदर एक उम्मीद वाली किरण भी जो है उसको भी ये पैदा करता है, इसलिए दरख्त जो है वो जरूर लगाएं। अच्छा, मैंने ये जो वीडियो बनाई है, जो इसमें मैंने बातें की हैं, उसका एंड के ऊपर मैं एक, आप यूं समझ लेंगे, ब्रीफिंग के तौर के ऊपर मैंने वो तमाम बातों को आपके सामने लेकर आया हूँ। आप इसको यहाँ से देख भी सकते हैं, ताकि बाज़ अगर आपके जहन से बातें निकल जाएँ तो ये एक समरी की फॉर्म के अंदर, छोटे छोटे पीसेस की फॉर्म के अंदर, जैसा कि उस बुक के अंदर जिक्र है, मैंने उसको आपके सामने पेश किया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।